नमस्कार दोस्तों, ये गाड़ी है महिंद्रा ब्लाजो BS4 31 मॉडल। इसमें गाड़ी में लो पिकअप इश्यू है और मेन दिक्कत इसका यूरिया नहीं खा रहा है। ये गाड़ी हमारे पास बहुत दूर से चल का आया है, ठीक है, और हमारे पास बहुत जगह दिखवा लिया है, गाड़ी सही नहीं हो पा रहा है और कुछ कोड भी आया है। तो चलते हैं मीटर पर, देखते हैं क्या कोड है, ठीक है। तो हम चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं कस्टम मीटर के पास। तो आगे मीटर पे और साइड ऑन करें यहाँ पे। तो सबका देखिए, पहले कोड हमारा आया हुआ है यहाँ पे 1956 और एक और देखते हैं क्या कोड है। तो देखिए दूसरा कोड हमारा 2428, ठीक है, दूसरा कोड हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पे P2428, ठीक है। और देखते हैं और कोई कोड नहीं, यूटी दिखा रहा है हमारा और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं पे। स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमारा कि MIL जो लाइट है वो जल नहीं रहा है, हो सकता है मीटर का प्रॉब्लम, कभी का जलता नहीं है। हमारा कोड आ रहा है, मतलब हमारा EBU चालू सिस्टम है और EBU दिखा रहा है इसमें, और देखते हैं फुल टेस्ट करके। रेस हो रहा है लेकिन हमारा ये कोड आया हुआ है और लो पिकअप इशू है, ठीक है। अभी हल्का सा मैं रेस कर रहा हूँ तो हमारा जो साइलेंसर है फटा हुआ सा आवाज़ आ रहा है, कहीं से गैस निकल रहा है, तो चेक करते हैं कहाँ से दिक्कत है, ठीक है। तो दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम मिलता है, लगाते हैं लैपटॉप भी। तभी मैं 2.4 कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो कोड आया था टेम्परेचर सेंसर जो है AdBlue वाला उसका है, ठीक है। तो कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो कोड आया है P2428, जिसका डिस्क्रिप्शन है SCR इनलेट टेम्परेचर टू हाई, जो हमारा AdBlue इंजेक्टर के पहले लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर, वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है टेम्परेचर, उसका ये कोड है, ठीक है। ये कोड हटाएंगे तो हट जाएगा, लेकिन ये हमारा जब गाड़ी चलेगा तब फिर कोड आता है, ठीक है। तभी दिखाते हैं यहाँ पे हमारा इसका टेम्परेचर क्या दिखा रहा है अभी, अभी इसको हटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो अभी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लियर कर दिए हैं और यहाँ से जाइए फिर ऑन कर रहे एक बार। तो क्लियर हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं अभी देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है ये यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ टेम्परेचर लिखा हुआ है PS3 टेम्परेचर सेंसर, ये हमारा 550 के अंदर होना चाहिए, ये 550 एबव जाएगा तो हमारा ये कोड जनरेट करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ये आपका SCR हमारा जो है उसका पहले जो हमारा एग्जॉस्ट लाइन कहीं लीक तो नहीं है या फिर हवा कम नहीं जा रहा है वो देखना आपको, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें कहीं लीक तो नहीं है। तो अभी मैं देखिए इंजन दबाया हूँ और यहाँ देख सकते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है। बाकी हमारा अभी चेक किया हूँ तो हमारा टर्बो का जो बोल्ट है वो पूरा वहाँ से टूट चुका है, तो ये पूरा ब्लैक ब्लैक ये स्मोक आ चुका है, ठीक है। एक और मैं वीडियो बनाया था इसका, वहाँ से भी इसका पैकिंग कर गया था टर्बो का, तो वहाँ से भी इसका कोड आया था। और ये गाड़ी में दिक्कत है कि यूरिया कम खा रहा है, ना के बराबर खा रहा है। तो देखते हैं उसका क्या प्रॉब्लम मिलता है। यहाँ से अगर हमारा गैस कम जाएगा वहाँ पे, नॉक्स कम जाएगा तो हमारा AdBlue से भी कम खाएगा, क्योंकि हमारा नॉक्स जितना जाएगा उसके साथ AdBlue स्प्रे करेगा, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे, ये चेक करके इसका एयर सिस्टम चेक करेंगे कितना प्रेशर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं पर इसको सही करेंगे, जो हमारा लीक हो गया काला काला देख सकते हैं, दिखाते हैं खोल के भी। मैं 3.5 कनेक्ट किया हूँ और हमारा लैब डेटा में चेक कर रहा हूँ उसका एयर इंटेक का सिस्टम। एयर इंटेक में यहाँ जाना आपको, इंटेक बल्ब अप स्ट्रीम प्रेशर, ये हमारा इग्निशन ऑन में 85, 86, 87 होना चाहिए, ठीक है। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये हमारा 262 देना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और फुल टेस्ट पे हम जाते हैं 262, ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो कम जा रहा है और घट जाता है यहाँ पे रेस करने पर, क्योंकि हमारा टर्बो यहाँ से लीक हो गया गैस। ठीक है, तभी टर्बो सही करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको ओके हुआ कि नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं टर्बो बाहर आया है और ये हमारा टर्बो का जो रहता है टर्बाइन व्हील, ये यहाँ पे था पूरा, ये बाहर निकल चुका है क्योंकि हमारा चार बोल्ट रहता है इसका टूट गया था। ठीक है, ये काफ़ी इनका पुराना प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे जब साफ टूट गया तो ये पूरा बाहर आ चुका है। ठीक है, इसको भी बनवाएंगे, उसके बाद लगा के दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं अभी टर्बो सारा फिट हो चुका है और गाड़ी भी स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे लैपटॉप में हमारा जो एयर इंटेक में जो दिखाता वैल्यू कम दिखा रहा था वो कितना जा रहा है देखेंगे। ठीक है, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो अभी चेकने में कोई भी कोड नहीं है और यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको रेस करके। तो देख सकते हैं कोई भी कोड नहीं है। ठीक है, तो दिखाते हैं लैपटॉप में, अभी कोई धुआं नहीं दे रहा है अभी। तो देखिए लैपटॉप लगाया हूँ अभी और हमारा जो फिर से चेक कर रहे हैं इसका एयर इंटेक का सिस्टम का वैल्यू, अभी दिखा रहा है कि समय 185 और स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं रेस करने बाद भी हमारा 200 से 1000 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका चेक करेंगे, गाड़ी पहले बंद कर देते हैं। तो इसका बूस्ट प्रेस हम कपलर खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 200 आता है कि नहीं। ठीक है, ये खोलने के बाद हमारा कपलर 200 आना चाहिए, मतलब हमारा वायरिंग ओके है। यदि हमारा नहीं आता हो 200 तो फिर हमारा वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो खोलने के कपलर का जो हमारा सेंसर लगा हुआ है बूस्ट प्रेशर का, उसे कपलर खोलेंगे। ठीक है, तो भी ये कपलर खोलेंगे। ठीक है, तो कपलर खोलने के बाद हमारा जो वैल्यू वहाँ 200 होना चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ 200 आ चुका है वैल्यू हमारा, मतलब हमारा वायरिंग ओके है। जो दिक्कत होगा सेंसर में या फिर सही में हवा नहीं जा रहा उसमें, तो ठीक है पहले देखेंगे सेंसर बदल के भी। तो दूसरा सेंसर भी लगा रहे हैं हम लोग, तो देख सकते हैं अभी ये सेंसर खोला हूँ, ये हमारा है बूस्ट प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर, ये दो काम करता है हमारा, कितना प्रेशर हवा आ रहा है, हवा का कितना टेम्परेचर वो दिखाता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डस्ट है, बाकी दूसरा डाल के देख रहा हूँ अभी, हमारे पास दूसरा है चेक करने के लिए फिलहाल। ठीक है, उसको लगाते हैं, उसको दिखाते हैं आपको, लगाओ। तो रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, रेस करने बाद भी हमारा 200 से 1000 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसर चेंज करने के बाद जो प्रेशर है सेम उसी हो रहा था, तो बाद में ये काफ़ी परेशानी हुआ, तो उसके बाद में क्या मिला मुझे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाड़ी ये एक हो चुकी है क्योंकि हमारा जो वैल्यू है ये यहाँ पे दिखा रहा है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले सेंसर चेंज किया देखा मैं, उसके बाद फिर वो वैल्यू उतनी दिखा रहा था, उसके बाद इंटरकूलर भी साफ कर देखा और दूसरा इंटरकूलर लगा के देखा, फिर वैल्यू उतना दिखा रहा था। और उसके बाद फिर इसका जो हमारा रहता है एयर फिल्टर, वो टाटा था, टाटा कंपनी का, तो उसको भी अपना डाल के देखा महिंद्रा का, फिर भी वैल्यू सेम था। लास्ट में इसका जो टर्बोचार्जर है पूरा सिंपल दूसरा का ट्रक डाल के देखा नया, उसके बाद जो वैल्यू है मैं आपको दिखाता हूँ कितना आ रहा है, जो कि ओके हो चुका है, आपको दिखा रहा हूँ 200 से 1000 से जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है अभी और 186 हमारा अभी है और अभी फुल रेस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 200 से प्लस
जा रहा है अभी, पहले हमारा 117-118 आ रहा था। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा गाड़ी का एक टर्बो था, उसका एक टर्बाइन व्हील है जो कि खुला था, तो उस टाइम ये बारीकी बारीकी का डैमेज था, तो वो सोचा इतना से प्रॉब्लम नहीं होगा, तो लगा के देखा लेकिन सक्सेस नहीं कर पाया। तो फिर दोबारा मैं डाला दूसरा गाड़ी का टर्बो और फिर चेक किया, तो फिर हमारा सही गाड़ी हो गया। को ट्रायल करेंगे और दिखाएंगे पूछिए क्या मैनेज रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्ट नहीं है। तो देख सकते हैं गाड़ी चेक हो रहा है, जैसे अभी लोड गाड़ी है, दोबारा मैं गाड़ी आया है, ठीक है, तो इसमें ये टेम्परेचर है अभी गाड़ी चलने के बाद हमारा लास्ट 4.5 से नीचे आता है, ठीक है, कोई भी कोड नहीं है इसका, सेंसर बदलने के बाद भी दिक्कत हमारा आ रहा था, तो टेम्परेचर चेंज किया उसके बाद और प्रेशर ओके जा रहा है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एडमिन जेटर हमेशा स्प्रे कर रहा है, और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा यहाँ है ग्राम पर सेकंड में इतना स्प्रे कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर एससीआर का, ये 415 जा रहा है सी लास्ट, 30,000 लास्ट जा रहा है, 5.5 से एफ जाएगा तब हमारा 24 बढ़ रहा है, थोड़ी 24 से 28 बढ़ रहा है, ठीक है। आपको दिखाते हैं माइलेज भी कितने दे रहे हैं, माइलेज 1,000। गाड़ी लोड में आता था कोड, तो लोड मंगवाएंगे फिर से गाड़ी को और चेक कर रहे हैं, खाली में तो नहीं बच रहा था, ठीक है। ट्रायल कर चुके हैं, देखते हैं इसका माइलेज, गाड़ी तो बहुत बढ़िया चला है अभी, उनको भी चेक लें भी कोई भी कोड नहीं आया। तो देखते हैं भी हमारा मैंने दिखा रहा है यहाँ पे 3-2 का, मैंने पहले था 2.40-2.66 का, और यूरिया भी बहुत बढ़िया खा रहा है, अभी लेटर में देख रहे थे जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो ये ओके हो चुका है गाड़ी, ये भी रोड ख़राब था वहाँ पे काम हो रहा था, तो ये हमारे 2-2 का दिया, तो अगर चलेगा तो हमारा ये 3-4 का जो भी देखा लोड गाड़ी है हमारा ये, ठीक है। तो ऐसा प्लॉब मिलता तो आप चेक कर सकते हैं, हम लोग फिर से दिखाता हूँ यहाँ लेफ्ट में आपका वैल्यू काट करके, स्टार्ट हो गया है अभी इग्निशन ऑन, फुल रेस कर रहे हैं अभी, आपका एयरलाइन से कहीं दिक्कत रहेगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, और बोर्ड भी नहीं आ रहा कुछ भी, ये गाड़ी का है हमारा पापा का, ये गाड़ी में क्या दिक्कत रहता है, गाड़ी में एडब्लू का प्रॉब्लम था, गाड़ी जब चलता था एडब्लू नहीं खाता था, और माइलेज में भी माइलेज गिर रहा था, गाड़ी कहाँ चलता है, कलकत्ता से आंध्रा चलता है, गुवाहाटी चलता है, और ये कहाँ का दिखा दे रही थी, हाँ बहुत जगह आपका मान लीजिए कलकत्ता हो गया, आंध्रा में हो गया, गुवाहाटी, आपका रायगंज, सिलीगुड़ी, हर शोरूम में हर जगह में हम काम करा लिए पर सक्सेस नहीं हुआ। अभी वहाँ से हमारा बंगाल से यहाँ आए हैं झारखंड में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी काम किए ट्रायल भी किए, मैनेजर का कितना देता पहले, अभी पहले हमको दे रहा था 2.82 ऐसा, तो अभी तो 6 का शो हो रहा है, देखते हैं लोड गाड़ी में अभी क्या होता है, अभी काम जितना कि ऐसा सक्सेस है अभी, हाँ सक्सेस सक्सेस काम से, हाँ हाँ हाँ, और किस तरह से कोई व्यवहार का जरूरत नहीं, ना 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 सब वहाँ से अच्छा लगा, ना ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जगह भी बोली इंसान भी बोली सबका व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है, और कोई दिक्कत है बोलना, तो अभी गाड़ी को ट्रायल किया और ड्राइवर जी हमारे चला रहे थे ये, ठीक है, और अभी लोग बात करेंगे ड्राइवर जी से कि गाड़ी चलाने में कैसा लगा और अभी कितना देर था मैनेज और इससे पहले क्या काम हुआ था और अभी क्या हुआ। तो ड्राइवर जी क्या नाम आपका, अलमगीर, इससे पहले भी आए थे हमारे शोरूम में, तो उस टाइम खाली था गाड़ी, तो उस टाइम तो गाड़ी सही चला, लोड में पता बीमारी फिर से आ गया, दोबारा भी लोड करके आए और अभी ट्रायल किए और टर्बो ज़्यादा दूसरा डलाया, उसके बाद अभी जो लास्ट कितना दिखा मैनेज आपको, लास्ट लोड में ट्रायल किया अभी तो लास्ट कितना दिखाया, 3.96, मतलब पहले कितना देर था, 2.67 है ना, तो अभी चलाएं तो उसको तरह की दिक्कत नहीं आया ना, नहीं है ना, और मैनेज बढ़ गया लोड गाड़ी में बहुत अच्छा दे रहा है मैनेज अभी, है ना, और कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं, कैसा काम लगा अभी, काम बढ़ गया है ना। तो देखिए ये थोड़ा ये है बंगाल का, तो थोड़ा हिंदी इनको थोड़ा ये नॉलेज इतना नहीं है, ठीक है, बाकी ये हमारे बहुत बढ़िया ड्राइवर जी हैं, ये दोबारा हम आए लेकिन ये काम थे,
तो आज के इतना ही, अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।